Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn Physics with R. Katonga. In the last video, we covered all theoretical concepts of combination of errors. और आज ये combination of errors की last class है. क्योंकि पिछली class तक हमने सारे theoretical points cover कर लिए थे और जैसा मैंने पिछली class में बताया था कि आज की class में हम इसके numericals को cover करेंगे. तो आज की class में हम सारे important numericals cover करने वाले हैं. Addition, subtraction, multiplication, division और powers वाले questions को लेकर. तो सबसे पहले इजी से शुरू करते हैं और वो आता है आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का. ये मैंने फॉर्मूला भी लिख लिया जिसकी हमने डेरिवेशन लास्ट क्लास में की थी और ये हम दोबारा याद दिला देता हूं मैं आपको. इसमें क्या पढ़ा था हमने, दैट द नेट मीन एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर प्रेजेंट इन ईच इंडिविजुअल क्वांटिटी. तो इसके ऊपर अब पहला और इजी सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं. दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट. तो मैंने मान लिया कि x1 x2 की ये दो वैल्यूज हैं और हमें एक बार x1 plus x2 करना है और एक बार x1 minus x2. तो पहले हम कर लेते हैं एडिशन. तो एडिशन कर देना है, ये तो सिंपल सी मैथ्स है और वहां पे 11 स्टैंडर्ड में भी है. तो मैं मान रहा हूं कि नेट रिजल्ट जिसे मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो x1 plus x2 है. तो 3 2 ये हो जाएगा 5, 5 और 3 का 8, 8.5 तो ये आ गया प्लस माइनस एरर्स. अब इस कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि आपका एरर हमेशा ऐड ही होता है, तो इसलिए यहां पर आंसर आ गया आपका 0.6 सेंटीमीटर. तो ये फाइनल आंसर हो गया. सिमिलरली अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं. तो सब्ट्रैक्शन में भी मैंने कोई नाम x ही मान लिया है, तो x1 माइनस x2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2, ये हो गया 2.1. अब यहां पर एरर्स के साथ क्या करें, क्या 0.4 माइनस 0.2 करूं सो दैट हमारा आंसर 0.2 आएगा? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं. आप सही कह रहे हैं क्योंकि एरर हमेशा एडिटिव है, उसे इन ऑपरेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. तो इसलिए यहां पर भी मेरा आंसर 0.6 सेंटीमीटर यही आएगा. क्लियर हो ना? तो इस तरीके के इजी से क्वेश्चन आते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन पे. अभी हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे क्वेश्चन कर रहे हैं. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया और ये बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में. ये मैंने देखिए फॉर्मूला पहले लिख दिया ताकि आपको याद आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम रिलेटिव एरर्स को देखते हैं और रिलेटिव एरर होता है अलजेब्रिक सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स प्रेजेंट इन ईच इंडिविजुअल क्वांटिटी. उस पे ही बेस हमारे क्वेश्चन है. हमारे को लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और फॉर रेक्टेंगल एरिया निकालना है. फार्मूला तो हम सबको आता है, एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. अब लेंथ में भी एरर है, ब्रेथ में भी एरर है, तो ऑब्वियस ही बात है एरिया में भी एरर है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू. तो ट्रू वैल्यू को मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूं और वो हो जाएगा लेंथ का ट्रू वैल्यू यानी कि 2 इनटू ब्रेथ का ट्रू वैल्यू वो है 1, तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये भी ट्रू वैल्यू आएगी. अभी हमें इसका एरर भी निकालना है, तो एरर को पहले फॉर्मूला वाइज लिख लेते हैं. वो बनेगा डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी. क्लियर नहीं तक? अब सर वैल्यूज डालनी है आपने. तो डेल्टा ए मुझे निकालना है, नहीं पता है मुझे. ए की वैल्यू वो मुझे पता है 2, डेल्टा एल वो मुझे पता है ये 0.1, एल की वैल्यू 2, डेल्टा बी की वैल्यू 0.2 और बी की वैल्यू जस्ट 1. अभी साहब सॉल्व कीजिए तो यह जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन 2, ये हो जाएगा 0.05, ये आपके पास है 0.2, ये बनेगा प्लस माइनस 2 इन 2 0.25 और फाइनली मल्टीप्लाई करके आ जाएगा प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? तो फाइनल आंसर लिखने का जो तरीका है वो हमारा हो जाएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू विच इज 2.0 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है ना? तो ये भी एक इजी थे, चिंता मत करो, टफ वाले क्वेश्चन में भी आएंगे आपके लिए. ठीक है, अभी हम पहले धीरे धीरे इजी वाले क्वेश्चन करते हैं. तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन पे हो गया. अगला क्वेश्चन डिविजन पे करते हैं. दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविजन. सो इफ पोटेंशियल डिफरेंस is 100 plus minus 5 volt, current 10 plus minus 0.2 ampere, we have to determine resistance. अब resistance का formula तो हमें पता ही है, अभी 10th standard हमने Ohm's law पढ़ा है. तो R का formula होता है V upon I. तो सबसे पहले R की true value निकलेगी, तो वो R की true value निकल रही है हमारे पास 100 divided by 10, that means 10 ohm. अब हमें क्या निकालना है, relative error. उसका formula मैंने पहले ही लिख रखा है और हमारा formula बन जाएगा डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई. अब सिर्फ वैल्यू डालने ही रहेगी, तो डेल्टा आर अननोन है मेरे लिए, आर की वैल्यू 10 प्लस माइनस डेल्टा वी 5, वी की वैल्यू 100 प्लस डेल्टा आई की वैल्यू 0.2 और आई की वैल्यू 10.
वो आप इसे सॉल्व कर दीजिए जल्दी से मेरे से पहले और फिर आंसर टैली कीजिए। ये बन जाएगा हमारा 7/100 यानी कि जस्ट 0.7। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा रेजिस्टेंस का वो होगा 10 ± 0.7 ओम। क्लियर हो ना? यहां पर मैं आपसे अलग से परसेंटेज एरर भी पूछ सकता था, दैट व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन आर। तो हमने तो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर को सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करके आ जाता है। तो परसेंटेज एरर के लिए हमारा बन जाएगा डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये पर हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा आर की जगह 0.7, आर की जगह 10 इंटू में 100, परसेंटेज का साइन, तो ये मेरे पास बन जाएगा 7%। तो परसेंटेज एरर भी मैंने निकाल दिया। क्लियर ना? तो अगर हमारा देखो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए वो हम कर देंगे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की बारी आ गई है। दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में जनरली आता ही आता है। फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट्स ऑफ ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3%, and 4% रिस्पेक्टिवली, और जेड का रिलेशन दे दिया। अब देखो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसमें मल्टीप्लीकेशन भी लगेगा, डिविजन भी लगेगा और पावर वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो सबसे पहले इसमें हमें रिलेटिव एरर की तरह लिखना आना चाहिए, तो चलिए वो शुरू करते हैं। तो जेड का रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस। मैंने आपको पहले समझाया था अगर जब पावर आ जाती है तो उतने ही टाइम्स उसके अंदर रिलेटिव एरर आ जाता है। ए में तो कोई पावर है नहीं, तो इसलिए उसे तो मैं सीधा डेल्टा ए बाय ए लिख सकता हूं। बी की पावर 3 है तो उसका रिलेटिव एरर बन जाएगा 3 times रिलेटिव एरर इन बी। सिमिलरली सी में जो रिलेटिव एरर होगा वो उसका 1/3 times डेल्टा सी बाय सी होगा, और डी की पावर हाफ है इसलिए वो हो जाएगा हाफ डेल्टा डी बाय डी। ठीक है, कुछ उसमें देखो कुछ बच्चे ने ये गलती करते हैं, आप मत करिएगा। वो क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को पहले वो ऐसे लिख लेते हैं और फिर उसके बाद यहां पर माइनस लगा देते हैं और यहां पर भी माइनस लगा देते हैं। तो ये नहीं करना है आपको, डिनोमिनेटर की टर्म डिनोमिनेटर में ही रहेगी और एरर्स जो कि हमेशा एडिटिव होते हैं इसलिए कभी भी बीच में माइनस का साइन नहीं आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हमें नहीं करना है, जो जहां है वहीं रहना है। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना। तो अगला स्टेप हो जाएगा डेल्टा जेड बाय जेड इनटू 100 परसेंटेज जो हमें चाहिए था। राइट हैंड साइड में भी वही करना पड़ेगा, ये बन जाएगा इस तरीके से। आई होप आपका भी यही बन रहा है। अब सिर्फ वैल्यू डालनी है और कुछ रह ही नहीं गया हमारा। तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन ए जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1%, 3 into परसेंटेज एरर इन बी विच इज 2, नेक्स्ट 1/3 into परसेंटेज एरर इन सी विच इज 3, लास्ट 1/2 into परसेंटेज एरर इन डी विच इज 4। इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 1 + 6 + 1 + 2 यानी कि 10% आपका इसमें एरर आ गया है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके के क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया अभी तक तो दोबारा से रिवाइंड करो और इसे समझो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नया एक और हायर लेवल, दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इन दिस वी आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वेयर वी आर गेटिंग लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 20.0 cm, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस एज 90 सेकंड। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस से टाइम में देखो इसे किया भी था। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जी में निकालना, तो पहले इस फॉर्मूले को रीअरेंज करो और जी को लेफ्ट साइड लेके जाओ बाकी सब उस तरफ। तो ये आपका बन जाएगा जी इज इक्वल टू 4π² L/T². ठीक है, हमें एक्यूरेसी यानी इनडायरेक्टली परसेंटेज एरर ही डिमांड कर रहे हैं। तो इसे सबसे पहले हम परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो एरर हमेशा होता है मेजरमेंट में, 4 और पाई स्क्वायर नंबर है तो इसमें कुछ एरर नहीं होगा, यानी कि सिर्फ हमें लिखना है एल के अंदर और सिमिलरली टाइम पीरियड के अंदर। पर अब क्वेश्चन आ गया है कि क्या यहां पे डेल्टा एल या डेल्टा टी दिया हुआ है, तो देखो कैसे निकालते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में तो सिर्फ लिखा 20.0 cm, तो जब कभी ना लिखा हो 20.0 और प्लस माइनस में कितना, तो कैसे निकालता है? तो आपका जो लेंथ है वो एक्चुअली में है 20.0
प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इस ट्रिक को सीख लेना बच्चों, ये जो भी आपका पॉइंट के बाद जितना भी डेसिमल प्लेस है यानी कि वो उसका लीस्ट काउंट है, तो इसका लीस्ट काउंट यहाँ पे डेल्टा एल बन जाएगा। इसी तरीके से जब टाइम पीरियड की आप बात कर रहे हैं तो ये 90 सेकंड लिखा हुआ है, अब 90 सेकंड है तो इसलिए इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 सेकंड। इस तरीके से क्लियर हुआ ना। बस अब आपने सारी वैल्यूज यहाँ पे डालिए और जल्दी से आंसर निकालिए। अब आपका भी वैल्यू डालने के बाद ये आ रहा है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है प्लस माइनस 2.7%। राउंड ऑफ कर लेना तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट 3% के आसपास आ जाता है। इसे आप प्रॉपर कैलकुलेशन करिएगा और टैली कीजिएगा कि आपका भी आता है या नहीं आ रहा है, तो है ना। अब इसमें भी ये नई ट्रिक सीखी है हमने कि जब भी डेल्टा एल या डेल्टा टी नहीं दिया होता तो हम वहां पर लीस्ट काउंट की हेल्प ले लेते हैं। क्लियर होने वाला क्वेश्चन भी है। बस एक लास्ट क्वेश्चन और, इसमें भी एक ट्रिक छुपी हुई है। दो रेजिस्टर दिए हमें और हमें निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। 10th में हम पढ़ के भी आए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब मुझे मालूम है अब तक आप मास्टर हो चुके हैं, ये तो आपने ओरल भी निकाल दिया है इसका आंसर। मैं भी लिख लेता हूं कि सीधा सीधा सबसे पहले ट्रू वैल्यूज ऐड करेंगे वो हो जाएगा 300 और फिर उसके बाद एरर्स को ऐड कर देंगे और वो हो जाएगा 7। तो ये तो आपने मुझे इंस्टेंटली आंसर दे दिया है। आई नो, पैरेलल का निकाल के दिखा दो मेरे को। तो सर ने तो सिर्फ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जब था तो उसकी डेरिवेशन कराई थी, पर सर ने तो नहीं बताया था कि जब 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y होगा तब कैसे करेंगे। तो यही यहां पर अब एक ट्रिक है, और जो ट्रिक है उसमें जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो ये है। तो हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से ऐड होती है, तो आप सबसे पहले मेरे लिए ट्रू वैल्यू तो निकाल ही दीजिए। तो यहां पे वैल्यू डालेंगे जब आप, तो यहां पे हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 1/200, और जब आप लिखेंगे तो आरपी आ जाएगा 200/3 ओम। अब हमें निकालना है इसका एरर। एरर निकालने के लिए यहां पे एक नया फॉर्मूला आ रहा है और वो बन जाएगा डेल्टा आरपी अपॉन आरपी का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो ये आपके लिए एक नया फॉर्मूला आ रहा है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, ठीक है। तो ये ट्रिक छुपे इसमें। अब इसकी सारी वैल्यूज हमें पता है, तो देखिए डेल्टा आरपी वो हमें नहीं पता, उसको हम छोड़ देते हैं। आरपी का स्क्वायर, आरपी हमें पता है वो हो जाएगा 200/3 स्क्वायर। राइट साइड में डेल्टा R1 वो भी हमें पता है, वो हो जाएगा 3/R1 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 विच इज 4 अपॉन R2 का स्क्वायर, दैट मींस 200 का स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे आपने प्लस माइनस लिख दिया है, ठीक है। तो वैल्यूज डाल दी है मैंने सारी आपके लिए, अब आपका ये बन जाता है होमवर्क। और यहां पर अब आप मेरे को डेल्टा आरपी निकाल के इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मुझे भी लगना चाहिए ना कि आप कुछ घर पे पढ़ रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने 6 डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे विद डिफरेंट ट्रिक्स, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनकी और रिवीजन जरूर कीजिएगा। सो आई होप आपको आज के सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डालना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप अप्लाइंग फिजिक्स इन योर डेली लाइफ। जय हिंद, जय भारत।